दोराहा में श्री आत्मवल्लभ जैन सर्वमंगल ट्रस्ट की ओर से निर्मित श्री मणि लक्ष्मी धाम जैन तीर्थ के अंजन शिला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव के सातवें दिन महामंगलकारी प्रतिष्ठा शुभ दिवस मनाया गया। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय वल्लभ सूरी समुदाय के गच्छाधिपति शांति दूत परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्रीमद नित्यानंद सूरीश्वर जी एवं अन्य साधु साध्वी वृंद की पावन निश्रा में जिन बिंब गुरु बिंब देव देवी बिंब ध्वज दंड कलश प्रतिष्ठा सहित कई मंगलकारी आयोजन संपन्न हुए। महोत्सव के सातवें दिन दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज मुख्य तौर पर पधारे और गच्छाधिपति शांति दूत परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्रीमद नित्यानंद सूरीश्वर जी कार्यदक्ष मुनिराज मोक्षानंद विजय जी महाराज व अन्य साधु साधी वृंद का आशीर्वाद लिया और मंदिर में नतमस्तक हुए। इस मौके पर श्री मणि लक्ष्मी धाम के निर्माता दिनेश भाई ठलिया श्री आत्मवल्लभ जैन सर्वमंगल ट्रस्ट के पदाधिकारियों तथा जैन समाज के गणमान्यों ने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान मुंबई से पधारे भजन गायक नरेंद्र वाणी गोता ने भजनों का गुणगान किया। इस मौके पर श्री मणि लक्ष्मी धाम के निर्माता दिनेश भाई ठलिया श्री आत्मवल्लभ जैन सर्वमंगल ट्रस्ट के चेयरमैन जवाहरलाल ओसवाल प्रधान सुरेंद्र मोहन जैन महामंत्री विनोद जैन जैनसन कोषाध्यक्ष सीए राहुल जैन ट्रस्टी मनमोहन सिंह जैन चेन्नई मनोज जैन ट्यूटर राजेश जैन मेघा सुनील जैन कोहिनूर रजनीश ओसवाल श्रेयांश राजन जैन अरिहंत ज्वेलर्स कमल जैन लास्को अरुण जैन लोकेश जैन प्रवीण जैन दुग्गड़ प्रधान राजकुमार जैन स्वास्थ्य महामंत्री जोगिंदर जैन ऋषभ राजेंद्र जैन एनटीएस दिनेश जैन मेघा मुकेश जैन सहित समूह समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट।
दिल्ली से लेकर जम्मू तक संपूर्ण उत्तर भारत में ऐसा मंदिर आज तक नहीं बना। श्री मणिलक्ष्मी परिवार ने गुजरात के होते हुए भी गुरु के आदेश को शिरोधार्य करके और हमारे शिरोमणि संघ लुधियाना में नेशनल हाईवे रोड पर एक बहुत ही खूबसूरत बेनमून अद्वितीय शिल्पकला युक्त, जिसमें हमारे जो हमारे महान तीर्थ हैं, प्राचीन तीर्थ हैं, रानकपुर मंदिर के जैसी बांधनी, जैसलपुर जैसी कला और आबू देलवड़ा जैसे मंदिरों की जो इसमें कोरणी की गई है, दिव्य कला को प्रदर्शित किया गया है। सैकड़ों कुशल कारीगरों ने अपनी कला का करिश्मा दिखा करके इस बेमिसाल मंदिर का जो निर्माण किया है, और इस मंदिर में इतने जो स्तंभों के ऊपर पूरे जैन दर्शन, जैन कथाओं को जो चित्रित किया गया है, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में क्या कहीं पर भी किसी जैन मंदिर में ऐसी कलाकृतियाँ देखने में नहीं आती हैं। ऐसे खूबसूरत जैन मंदिर का निर्माण शाह मणिलाल लक्ष्मीचंद रिलीजियस ट्रस्ट ने करवा करके पंजाब को बहुत बड़ा उपहार दिया है, पंजाब को बहुत बड़ा उपहार और सौगात दी है। ऐसे दिनेश भाई ठलिया वाले शाह मणिलाल लक्ष्मीचंद रिलीजियस ट्रस्ट के ट्रस्टी जी को बहुत बहुत तहे दिल से हमारा आशीर्वाद। इस संपूर्ण जो निर्माण हुआ है श्री आत्मवल्लभ सर्व मंगल ट्रस्ट के अंतर्गत हुआ है, और इस मंदिर के साथ साथ में यहाँ पद्मावती माता का मंदिर भी बहुत खूबसूरत बना है, जिसके निर्माण और प्रतिष्ठा का लाभ हमारे लुधियाना के बहुत बड़े दानी उदारमना चंदन बालाजी धर्मदेव परिवार जीरा वालों ने बहुत संपूर्ण लाभ लिया है। और इसके साथ ही जो इसमें कार्यालय बन रहा है, बहुत बड़ा विशेष कार्यालय जो बन रहा है, उसका लाभ हमारे लब्बूराम शादीलाल जी परिवार हमारे जालंधर वालों ने लिया है। और साथ ही जो मंदिर के साथ में जो बहुत विशाल धर्मशाला बन रही है, प्रवचन हॉल बन रहा है, विशाल भोजनशाला बन रही है, संत निवास बन रहा है, उसका संपूर्ण लाभ है, भूमि का और संपूर्ण निर्माण का लाभ हमारे ओसवाल कुलभूषण पंजाब के देश के प्रसिद्ध उद्योगपति, हमारे पंजाब की शान ओसवाल कुलभूषण बाबू जवाहरलाल जी ओसवाल नाहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने इस संपूर्ण लाभ लेकर के इस तीर्थ को चार चांद लगाए हैं। आज इस तीर्थ में श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ जिनाले की भव्याति भव्य आज प्रतिष्ठा महामहोत्सव बहुत ही भव्य रूप से संपन्न हुआ। देश विदेश से, विश्व के कोने कोने से हजारों भक्तगण ने आकर के आज प्रतिष्ठा का आनंद लिया और परमात्मा को वंदना करके उन्होंने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अग्रसर बने। पूरे पंजाब को यह जो सौगात दी गई है, आज की प्रतिष्ठा जन जन के मन में परमात्मा तत्व की प्रतिष्ठा बने और खूब आपस में परस्पर मेलजोल, आपसी सांप्रदायिक सद्भावना, कौमी एकता और भाईचारे की भावना से अवश्य ही हम इस तीर्थ को और आगे बढ़ा सकेंगे और पंजाब की तरक्की कर सकेंगे। हमारा पूरे पंजाब वासियों को दिल से आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। पंजाब की धरती पर हमारे अनंत उपकारी पंजाब देशोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद आत्मवल्लभ समुद्र इंद्रदिन सुरेश्वरजी महर्षि की परमोज्वल पाठ परंपरा का अनंत उपकार रहा है, और उसी गुरु परंपरा के क्रमिक पट्टधर तथा पंजाब के श्री परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय वल्लभ सूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वरजी महर्षि के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से पंजाब की धरती और शिरोमणि जैन संघ लुधियाना की भूमि पर एक ऐसा तीर्थ का निर्माण हुआ है जिसने संपूर्ण उत्तरी भारत को एक नया गौरव प्रदान किया है। ऐसा मंदिर, ऐसा तीर्थ हमारे दिल्ली से लगा के जम्मू कश्मीर तक कहीं पर भी इतना विशाल भव्य संगमरमर से जड़ित कोई भी मंदिर अन्य दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कहा गया है तीर्थ एवं मंदिर हमारी संस्कृति रूप सदन के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। यही हमारे लिए प्रेरणा के पुंज और ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हीं तीर्थों की बदौलत हमारा स्वर्णिम इतिहास और गौरवशाली परंपराएं जीवंत रही हैं। हजारों लाखों वर्षों से यो जो भारत की भूमि आध्यात्मिक आभा और ऊर्जा से भरी हुई है, उसका श्रेय ऐसे तीर्थों को और मंदिरों को जाता है। आज जो वर्तमान युग है, चारों तरफ भोग विलास का वातावरण दिखाई दे रहा है। वर्तमान युग में लोग विषय वासनों और कषायों में उलझे हुए हैं। तन से, मन से, हर तरह से
उनका जीवन अशांत बना हुआ है और चारों तरफ अनेक प्रकार की बुराइयां पनप रही हैं। ऐसे विषम समय में, ऐसे दुष्म काल में अगर हमारे मन को, तन को, आत्मा को शांति देने के लिए यदि कोई स्थान है तो वह ऐसे मंदिर और तीर्थ स्थान होते हैं जहाँ पर हमारे धर्माचार्य, हमारे गुरु अनेक प्रकार की मंत्र, यंत्र और तंत्र की साधनाओं के द्वारा, सात्विक विधियों के द्वारा जीव मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वह इस तरह के अनुष्ठान करवाते हैं कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संपूर्ण क्षेत्र का उद्धार हो, हर व्यक्ति, हर जीवात्मा सुखी बने और सभी सन्मार्ग पर चलें, बुराइयों का त्याग करें। जब व्यक्ति ऐसे पवित्र स्थान पर आता है तो उसके मन के पाप भी धुल जाते हैं, उसका मन भी पावन हो जाता है और वह पाप से विरत हो करके और अच्छे कार्यों के अंदर में जुड़ने की प्रेरणा को प्राप्त करता है। आज ऐसे तीर्थ का निर्माण जो गुरुदेव की प्रेरणा से हुआ है, आज उसकी ऐतिहासिक अंजनशिला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव बहुत ही ठाठ बाठ से, धूमधाम से सम्पन्न हुआ और ना केवल पंजाब, ना केवल उत्तरी भारत अपितु भारत के कोने कोने से हजारों की संख्या में गुरुभक्त यहाँ पर पधारे, श्रद्धालु पधारे, न केवल देश से अपितु विदेशों से भी। आज जैन शासन के, जैन समाज के अग्रणी दिग्गज, ऐसे श्रेष्ठ वर्य दानवीर यहाँ महानुभव पधारे और गुरुदेव के निश्रा में ये प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। अब हम पंजाब के जन जन से कहना चाहेंगे कि ये जो तीर्थ है, ये जो मंदिर है, ये इस प्रांगण में आप पधारें और परमात्मा का दर्शन करें और आपको एक नई ऊर्जा यहाँ से मिलेगी, एक नई प्रेरणा यहाँ से मिलेगी। आपका यहाँ पर आने से सभी आपके रुके हुए कार्य यहाँ बन जाएंगे और आप परमात्मा के चरणों में मस्तक झुकाएंगे तो निश्चित आपकी आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा, मंगल ही मंगल हो जाएगा। ये सब गुरुदेव की कृपा से हुआ है और हम अवश्य इस तीर्थ को और आगे उन्नतियों के ऊपर लेकर के जाएं, इसकी जाहो जला, इसकी जो है समृद्धि में हम सभी जुड़ करके अपनी आत्मा का कल्याण साधें, यही मंगलमय अभिलाषा।